सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो ये अप्रैल है स्टॉर्म 125 सीसी की काम है। आज 0 to 60 पकड़ लो, 100 तो नहीं जाएगी क्योंकि सर्विसिंग नहीं हुई है। 0 to 60 करेंगे आज, कितने सेकंड्स में चल जाती है। तो गाड़ी मैं जो पिछले वीडियो में बताया हूँ गाइस कि और जो गाड़ी है नई है, काफी फर्स्ट सर्विसिंग ही हुई है। सब मिला के 625 किलोमीटर बस चली है, तो इसलिए मैं ज्यादा भगा रहा नहीं हूँ। तो गाड़ी काफी माशाल्लाह बहुत एकदम मुझे अच्छी लगी। अगर मैं स्कूटी रिकमेंड करूंगा गाइस, अगर मेरे हिसाब से अगर जनरेशन के हिसाब से देख लो तो जो जनरेशन का ये है जो फ्यूचर में, तो गाड़ी काफी ऐसी गाड़ी मुझे पसंद लगी, मैं रिकमेंड करूंगा ये सब आप ले सकते हैं। प्राइस के हिसाब से देखिए तो BS6 नॉर्म के हिसाब से जो है ये सही है, प्राइस उतना काफी कॉस्टली भी नहीं है। लेकिन स्कूटी के हिसाब से देखेंगे तो हाँ, स्कूटी के लिए उतना पैसा खर्च करना भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी गाइस जो पसंदीदा है, जो लोग ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं, जो भगाना भी चाहते हैं थोड़ा सा स्कूटी हो के भी, तो गाइस जो वो गाड़ी है वो है ये। क्योंकि गाइस जो है आप नॉर्मली कोई भी है जो भगा सकते हैं गाड़ी आराम से इसमें, क्योंकि ज्यादातर आप देख सकते हैं इसमें जो है 140 है। ज्यादातर जो स्कूटियों में आता है 120 लास्ट आता है, टॉप स्पीड इसमें 140 है। तो 110-120 आराम से टच कर लेती है गाड़ी जो। फिर उसके बाद जो है इसका जो सस्पेंशन है काफी स्मूथनेस भी है और उतना स्टिफनेस नहीं भी है सस्पेंशन में, तो ऑफ रोडिंग आराम से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आराम से आप कहीं पे भी जा सकते हैं। अभी जैसा कि देख सकते हैं बाजू से रोड है डगमगा, तो उसमें भी चला सकते हैं और जेंट्स भी चला सकते हैं, लेडीज भी। यूनिसेक्स जैसी है ये गाड़ी, काफी पावरफुल और बेहतरीन स्कूटी है। देख सकते हैं वहां पे पीछे बारिश नहीं थी, यहाँ पे बारिश है आगे। ये कैसा हुआ, क्या हुआ, ये सब तो कुदरत का कमाल है, हमारा हाथ में कुछ नहीं है, हमको बस राइड करना है। तो चलिए फिर आगे से टर्न लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं 0 to 60, क्योंकि मैं 80 तक नहीं जाऊंगा। ये फर्स्ट नई गाड़ी है, फिर फारूक और ये जो गाड़ी है हमारे फारूक की गाड़ी है, तो इसे हम ज्यादा भगा नहीं सकते। तो जैसे ही सेकेंड सर्विसिंग हो जाने है उसके बाद हम भगाएंगे 100 तक और चेक करें और एक बार से टच करेंगे, देखेंगे। फिलहाल तो पिछले ब्लॉग में तो 80 तक चली गई थी, लेकिन थोड़ा हिल रहने की वजह से 100 भी चली गई थी शायद, लेकिन नहीं गई। तो इतना स्ट्रेस करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि नई स्कूटी है। तो अगर मेरी भी रहती थी मैं नहीं भगाता था, क्योंकि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मैं देखता था फर्स्ट सर्विसिंग हो जाए सेकेंड सर्विसिंग हो जाए। तो पहले मेरी में जब गाड़ी आया था, मैं भी सेकेंड सर्विसिंग के बाद ही भगाया था। तो ठीक है, फिर चलते हैं थोड़ा आगे से टर्न लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टर्न करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बारिश हो चुकी है, आगे बारिश नहीं आने के। ये गजब है, गजब एंड अजब दोनों भी हैं इसमें। तो ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से ट्राई टेस्ट करेंगे तो वहां तक चले जाएगी गाड़ी, क्योंकि फारूक जो है आगे हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर लगाते हैं 0 है तो 60 तक लेके जाएंगे, चेक करेंगे। चलिए फिर 1, 2 and 3। यह पहुंच गई 60 और यह पहुंच गई 70। ठीक है, इससे ज्यादा मैं भगाऊंगा नहीं क्योंकि नई गाड़ी है, थोड़ा रहम खाना चाहिए इस पर भी। नई गाड़ी है तो मिलना है तो भगाना बोल के ऐसा नहीं है, थोड़ा एवरेज देंगे, थोड़ा एवरेज देंगे तो अच्छा होगा। 1,25,000 रुपये जब स्पेंड कर रहा है इंसान, जब एवरेज नहीं देगा तो घंटा कर इस गाड़ी लेके करेंगे क्या, इसलिए तो थोड़ा आराम से चलाएंगे जैसा कि देखेंगे। और तो अब मैं घर पे जाऊंगा एडिटिंग वगैरह करके, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितना गई है कितना नहीं गई है, कितने सेकेंड में गई है मालूम पड़ेगा। तो ठीक है, अब इसे मुझे ऑफ रोडिंग करने का शौक आ रहा है स्कूटी पर, एक बार ऑफ रोडिंग पे भी लेके जाएंगे स्कूटी को, देखते हैं। तो गाइस, और अगर किसके पास भी अगर एप्रिलिया वगैरह है, अगर वेस्पा है, तो आपने कितनी भगाई है, क्या है, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो है हमको भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जितना मुझे नॉलेज था मैंने शेयर किया कि काफी, और उसमें जो सामने का डिस्क भी है पूरे हैलोजन बल्ब्स वगैरह सब दे रखे हैं इसमें, इंडिकेटर्स में जो सामने की लाइट वगैरह है सब हैलोजन है, तो काफी अच्छी है गाड़ी। LED जो है एक टाइम पे काम नहीं करती है सही तरीके से, जब बारिश का वक्त आता है तो LED उतना खास वर्क नहीं करती है,
लेकिन जो ये हैलोजन होते हैं जो गर्म होते हैं, जो हीट होने की वजह से काफ़ी इसका परफॉर्मेंस सही रहता है। तो जिसके पास भी है तो बस कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या क्या आपको फॉल्ट, अगर आपको कैसी लगी गाड़ी, आप इतने साल कितने दिन से यूज़ कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, उसका रिव्यू अगर आपको मालूम है, अगर कैसे आप अपने तरफ से क्या बोलना चाहते हैं बोलिए, मैं कमेंट ज़रूर पढ़ते रहता हूँ। ज़्यादातर को जो कमेंट कर रहे हैं, अगर फिर कमेंट में मैं चेक करते रहता हूँ कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं देखते रहता हूँ। तो देखेंगे, तो ऑटो वाला घूर घूर के देख रहा है क्या कर रहा है भाई पागल इंसान, क्या तुझसे बात कर रहा है। अरे तुझसे बात नहीं कर रहा भाई, मैं बात कर रहा हूँ लोगों से। तो ठीक है भाई, तो बस आज का ब्लॉग इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यार आप शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो है अपने हैं तो चलेगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप सब लोगों से अगले व्लॉग में, फॉर इंतजार कर रहे हैं। तो जब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। तो मिलते हैं आप सब लोगों से अगले व्लॉग में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।